हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड, आज हम आपको बताएंगे कि आप अपने आस्तीन में कैसे डिजाइन बना सकते हैं, वो भी ब्यूटीफुल सा आस्तीन का डिजाइन, वो भी बहुत ही कम समय में। तो सबसे पहले हमें डिजाइन बनाने के लिए बाक्रम चाहिए, तो हम बाक्रम ले लेते हैं। तो फ्रेंड, हमारा बाक्रम कितना है सबसे पहले हम आपको वो दिखा देते हैं कि हमारी बाक्रम की चौड़ाई और लंबाई कितना है। तो बाक्रम की लंबाई हम नाप लेते हैं, बाक्रम की लंबाई हमारी 13 इंच है। अब हम चौड़ाई नाप लेते हैं, तो चौड़ाई हमारी 4 इंच है। तो फ्रेंड, हमने इतना बाक्रम लिया है। तो फ्रेंड, अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो एक मिनट में दोबारा आपको इस तरीके से नाप के दिखा देती हूँ कि हमारा बाक्रम का लंबाई और चौड़ाई कितना है। तो फ्रेंड, हमारी बाक्रम की लंबाई 13 इंच है और बाक्रम की चौड़ाई 4 इंच है। तो फ्रेंड, हमने बाक्रम की लंबाई और चौड़ाई नाप ली है, अब इसे इस तरीके से फोल्ड कर देना है। तो फ्रेंड, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अब डिजाइन बनाने के लिए सबसे पहले हमें 4 इंच की हमें लंबाई नापनी है। तो 4 इंच की लंबाई हम नाप लेते हैं। अब इसके नीचे 4 इंच की दूसरी लंबाई नापेंगे हम, तो हमने दूसरी भी कम्प्लीट कर ली। अब तीसरी लंबाई नापेंगे हम, तो तीसरी लंबाई भी हमने कंप्लीट कर ली। अब ऊपर के साइड से हम 2 इंच की लंबाई नापेंगे, तो ऊपर के साइड से हम 2 इंच की लंबाई नाप लेते हैं। इस तरीके से हमने 2 इंच की लंबाई नाप लिया है फ्रेंड। 2 इंच की लंबाई नाप के 1 इंच की चौड़ाई वहां पे लेंगे। इसी तरीके से नीचे के साइड में भी हमें 2 इंच की लंबाई नाप के 1 इंच की चौड़ाई लेनी है। तो इस तरीके से आप नाप लेंगे नीचे की साइड में भी। तो इस तरीके से फ्रेंड, आप बहुत ही इजी स्टेप में ये डिजाइन बना सकते हैं, जो कि आपका डिजाइन का साइज ना ही छोटा होगा ना ही बड़ा होगा, बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो इस तरीके से आप टिक लगा लें। तो फ्रेंड, हमने टिक लगा लिया है नीचे की साइड में भी। तो हमने इस तरीके से टिक लगा लिया है। अब हमें क्या करना है फ्रेंड, डिजाइन को अच्छे से जो हमने 4 इंच की दूरी पे टिक लगाया उसे लाइन अप कर लें बराबर में। इस तरीके से आपको लाइन अप कर लेना है। तो इस तरीके से आप अच्छे से लाइन अप कर लें। अब ऊपर के साइड में हमें आधा आधा इंच छोड़ के हमें इस डिजाइन को बनाना है। तो आधा इंच कितना हमें छोड़ना है फ्रेंड, सबसे पहले वो हम आपको बताते हैं। तो आधा इंच केवल ऊपर से, थोड़ा सा नहीं, केवल आधा, 1 इंच का आधा होता है। तो इसे केवल आधा इंच लेंगे, इस तरीके से टिक लगा देंगे हम। नीचे की साइड में भी इस तरीके से टिक लगा देना है केवल आधा इंच पे। तो हमने आधा इंच पे नीचे के साइड में टिक लगा दिया है चारों तरफ। अब इस तरीके से इसे लाइन अप करना है आपको, बर्फी कटिंग में इसे बनाना है। तो इस तरीके से आप बर्फी कटिंग एक साइज का हमें तीन डिजाइन बनाना है, जो कि हमारा बर्फी कटिंग 3 है। तो हमें 3 डिजाइन एक साइज में बनाना है। तो इस तरीके से आप 3 डिजाइन एक साइज में बना सकते हैं बहुत ही ईजी स्टेप में। तो फ्रेंड, इस तरीके से स्केल की सहायता से आप लाइन अप कर लें। तो फ्रेंड, ये डिजाइन बनाने के बाद हमें क्या करना है, इस पर कपड़ा लगाना है। तो कपड़ा किस तरीके से लगाना है फ्रेंड, वो भी हम आपको बताएंगे। इसे प्रेस की सहायता से इसे कपड़े पे आपको इस तरीके से चिपका लेना है। फ्रेंड, इस डिजाइन में आप एक चीज नोटिस करते होंगे कि एक तरफ डिजाइन बना है, दूसरी तरफ डिजाइन नहीं बना है। तो एक तरफ जो हमने डिजाइन बनाया है, इस तरीके से उसे डार्क कर दें, इस तरीके से डार्क कर दे, केवल डिजाइन को डार्क करें, जो हमने टिक लगाया है उसे ना। तो इसी तरीके से तीनों डिजाइन को आप डार्क कर दे अच्छे से। डिजाइन को डार्क करने के बाद हमें क्या करना है, इस डिजाइन को बराबर में इस तरीके से फोल्ड कर देना है, एकदम बराबर में। तो इसे इस तरीके से आप बराबर में फोल्ड कर दें, इसे इस तरीके से अच्छे से आपको ऊपर से नीचे की साइड में बराबर में पूरा फोल्ड होना चाहिए। फोल्ड करने के बाद इसे हल्के हल्के हाथों से इस तरीके से दबदबा कर दें ऊपर की साइड से। तो फ्रेंड, इस तरीके से क्या होगा, आपका डिजाइन दूसरे साइड में भी हल्का हल्का छप जाएगा। तो इस तरीके से दूसरे साइड से भी इसे इस तरीके से थोड़ा सा ऊपर की साइड से दबदबा कर दें। तो इस तरीके से हमारा डिजाइन दूसरे साइड भी हो गया है, बन चुका है। तो अब इसे क्या करेंगे, थोड़ा डार्क कर देंगे हम कि ये हमारा डिजाइन दोबारा मिटर ना जाए। तो इसे इस तरीके से हम डार्क कर देंगे अच्छे से। तो फ्रेंड, ये हमारा दोनों तरफ डिजाइन बन गया है। अब क्या करना है, जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है नीचे के साइड में, इसे कट कर लेते हैं।
तो फ्रेंड कट करने के बाद जो हमारा सिलाई है, सबसे पहला हमारा सिलाई क्या करना है, जो हमने डिजाइन चिपकाया है कपड़े पे उसे साइड से इस तरीके से फोल्ड करके उसकी सिलाई कर लें। तो इस तरीके से साइड से आपको इसकी सिलाई कर लेनी है। तो फ्रेंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो फ्रेंड हमने दोनों साइड से इसे इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। तो फोल्ड करने के बाद आपको क्या करना है फ्रेंड, ये हमारा आस्तीन का कपड़ा है, ऊपर के साइड से हमें इस तरीके से डिजाइन को लगाना है, एकदम बराबर में बीच में हमें डिजाइन को लगाना है इस तरीके से। तो इसे इस तरीके से एकदम बराबर में होना चाहिए आपका डिजाइन। तो हमने इस तरीके से इसकी सिलाई करनी है। तो फ्रेंड इस तरीके से आपको इसकी सिलाई करनी है। आप इसके ऊपर इस तरीके से सिलाई चला देंगे तो आपको इसी तरीके से फ्रेंड तीनों डिजाइन पे आपको सिलाई चला लेनी है। तो फ्रेंड आप तो देख ही रहे होंगे कि डिजाइन बनाने में कितना मेहनत लगता है। तो फ्रेंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो इस तरीके से हमने ऊपर की साइड की डिजाइन बना ली है। अब इसी तरीके से नीचे की साइड की भी डिजाइन की हम सिलाई कर लेंगे, जिस तरीके से हमने ऊपर की साइड की डिजाइन की सिलाई की है तो उसी तरीके से नीचे की भी सिलाई हमें कर लेनी है फ्रेंड। हमारी तीनों डिजाइन की सिलाई कंप्लीट हो चली है और जो एक्स्ट्रा धागा ऊपर की साइड में निकला हुआ है उसे कट करके हटा लें इस तरीके से। तो ये हमारी सिलाई है। अब इसकी कटिंग किस तरीके से होगी फ्रेंड वो हम आपको बताएंगे। तो इसे क्या करना है, सबसे पहले आपको बराबर में इस तरीके से आपको फोल्ड करना है। तो इस तरीके से एकदम बराबर में आप फोल्ड कर देंगे इसे। आपको इसी तरीके से फोल्ड करना है जो कि आप इस तरीके से इसकी कटिंग बहुत ही इजी स्टेप में कर सकते हैं। अब इस तरीके से आपको कटिंग करना है तो आप इसी तरीके से इसकी कटिंग करें। ये बहुत ही इजी स्टेप है इसकी कटिंग करने का। तो फ्रेंड इसी तरीके से आपको सारी कटिंग करनी है तो आप इस तरीके से सारी डिजाइन की कटिंग कर लें। तो ये देखिए हमारा पहले डिजाइन का कटिंग है, इस तरीके से आपको कर लेनी है। तो इसी तरीके से आपको दूसरी कटिंग भी कर लेनी है। तो फ्रेंड देखिए हमारा कटिंग कंप्लीट हो चला है, हमने तीनों डिजाइन की कटिंग कर ली है। तो फ्रेंड लेकिन ये पूरा कटिंग नहीं है, अब हमें इस तरीके से अंदर की तरफ से हल्का हल्का कट करना है जो कि केवल कोने की साइड में कटिंग होगा। तो हमारे एक डिजाइन में चार कोने हैं तो चारों कोने में इस तरीके से छोटे छोटे कट हमें दे देना है। तो आप सारे डिजाइन में इस तरीके से छोटे छोटे कट दे देंगे फ्रेंड। अगर आप ये छोटे छोटे कट नहीं देंगे तो आपका डिजाइन परफेक्ट नहीं बैठेगा। तो फ्रेंड हमने कटिंग कर ली है, अब हमें क्या करना है, बीच में से इस तरीके से इसकी कटिंग कर लेनी है। हमारी जो तीनों डिजाइन है इसे अलग अलग इस तरीके से कट कर लेना है और ऊपर के साइड में जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट करके निकाल लें। अब इसे इस तरीके से फोल्ड कर लें। इसी तरीके से आपको सारे डिजाइन को फोल्ड कर लेना है। तो फ्रेंड देखिए ये हमारा फोल्ड हुआ डिजाइन कितना अच्छा लग रहा है। तो देखिए इसी तरीके से आपको सारे डिजाइन को फोल्ड कर लेना है अच्छे से बराबर में। तो आप इसी तरीके से दूसरे डिजाइन को भी फोल्ड कर लें और तीसरी डिजाइन को भी। तो फ्रेंड हमारी सारी डिजाइन अंदर की तरफ फोल्ड हो गई है। अब हमें क्या करना है, इसमें ऊपर की साइड में यहाँ से हमें सिलाई चलानी है, एकदम किनारे की साइड में आपको सिलाई चला लेनी है। उसी तरीके से आपको तीनों डिजाइन में सिलाई चलानी है। तो चलिए सबसे पहला डिजाइन में हम सिलाई चला लेते हैं। तो इस तरीके से हमें किनारे के साइड में सिलाई चला लेनी है। तो आप इसी तरीके से तीनों डिजाइन में सिलाई चला लेंगे फ्रेंड।
तो फ्रेंड जो हमने पहले डिजाइन पे सिलाई चलाया है वो देखिए फ्रेंड बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत ही अच्छे शेप में बैठा है। इसी तरीके से सारे डिजाइन पे आप सिलाई चला लें। तो फ्रेंड देखिए हमारे सारे डिजाइन पे सिलाई चल चुका है। ये देखिए हमारा डिजाइन बहुत ही अच्छा बैठा है। अब नीचे की साइड में इस तरीके से कपड़े को आपको फोल्ड करना है। तो कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद एक पतला सा लेस लेंगे, ज़्यादा पतला नहीं, केवल आधा इंच चौड़ा लेस चाहिए आपको फ्रेंड, जो कि इस डिजाइन में बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर आप लेस लगाना नहीं भी चाहते तो भी ये डिजाइन बहुत ही अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड इस तरीके से हम इसमें लेस लगा लेते हैं सीधी में। इसी तरीके से आप बहुत ही इजी स्टेप में इस लेस को आप दो डिजाइन में बना सकते हैं, जो कि नीचे की तरफ देखिए हमारा जो कपड़ा है उसका भी लेस बन गया और जो हमारा लेस है वो भी कितना अच्छा लग रहा है। तो इसके ऊपर इस तरीके से डबल सिलाई चला दें। तो फ्रेंड हमारी ये लाइन भी कंप्लीट हो चली। अब हमें क्या करना है, इस डिजाइन को और भी अच्छा बनाने के लिए हमें इसमें बटन लगाना है। तो ऐसी बटन आपके नज़दीकी दुकान में मिल जाएगी, आप वहाँ से ले लेंगे फ्रेंड। ये रेडीमेड बटन है। अब इस डिजाइन के नीचे आपको बटन लगा देना है, एकदम नीचे में यहाँ में। तो इस तरीके से आपको बटन को अच्छे से लगा देना है इस डिजाइन में। इसी तरीके से आपको तीनों डिजाइन में आपको बटन लगा देना है। तो फ्रेंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो फ्रेंड इस तरीके से हमने बटन लगा लिए हैं हमने। तो फ्रेंड इसी तरीके से आपको तीनों में बटन लगा देना है। तो फ्रेंड हमारा डिजाइन कम्प्लीट हो चला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।